hello everyone welcome to allen digital in today's video we are going to discuss about rs configurations and how cip rules helps us in determining rs configurations of various molecules so beginning with what actually configuration means configuration means arrangement of bonds around an atom ंट बी चेंज विदाउटिंग द बॉन्ड अब इसका क्या मतलब होता है एक एटम के अराउंड जो अपने बॉन्ड होते हैं उनकी स्पेशल अरेंजमेंट ही बेसिकली उस एटम की कंफिग्रेशन होती है इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये दो मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर आ, अगर मैं आपसे पूछूं देट कैन यू फाइंड एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स तो इनिशियल स्टेज में हो सकता आप मोलिक्यूल को जल्दबाजी में देखो और आप बोलो ये दोनों मोलिक्यूल सेम है बट बच्चों ये दोनों मोलिक्यूल्स अलग अलग मोलिक्यूल्स हैं वो कैसे ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं वेज बॉन्ड और ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं डैश बॉन्ड तो इस मॉलिक्यूल के अंदर वेज बॉन्ड पे क्या है मेरे पास सी एस थ्री है और डैश पे क्या है मेरे पास हाइड्रोजन है इस मॉलिक्यूल के अंदर वेज पे क्या है मेरे पास हाइड्रोजन है और डैश पे मेरे पास क्या है सी एस थ्री यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कुछ तो फर्क है एंड इन रियलिटी ऑल्सो ये फर्क है यानी दीज टू मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो अगर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और मैं आपसे पूछूं कि इनका आयोपेक नेम जो अपन इनिशियल स्टेज में पढ़ते हैं क्या होगा तो आप बोलोगे टू ब्रोमोब्यूटेन एंड टू ब्रोमोब्यूटेन नाउ if i am saying that these two molecules are different molecules then there should be some parameter that should distinguish between these two molecules aur wo jo parameter hai bachcho wo hai rs yani is molecule ka naam hai s2 bromobutane aur is molecule ka naam hai r2 bromobutane ab s aur r kya hote hain R और S का Latin के अंदर meaning होता है R का मतलब rectus, S का मतलब होता है sinister. अब rectus का मतलब होता है right, और sinister का मतलब होता है left. अब राइट से क्या कहना चाहता हूं राइट से कहता हूं यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो लेफ्ट से कहता हूं तो मैं बोलता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस तरह से मूव करो इसको समझते हैं आप लोगों के सामने ये मॉलिक्यूल है मोलिक्यूल में आपको क्या ध्यान में रखना है पहली बात तो कि इस सेंटर के अराउंड तो मुझे कन्फिग्रेशन डिटरमाइन करनी है और जिस सेंटर के अराउंड में कन्फिगरेशन डिटरमाइन करूंगा वो एक कायरल सेंटर होगा कायरल सेंटर का मतलब है ये चारों जो भी बॉन्ड इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे क्या होंगे अलग अलग होंगे यानी अलग अलग ग्रुप्स होंगे ये सारे अगर ये अलग अलग ग्रुप्स हैं तभी मैंने इनको एक दो तीन चार भी बोला है अब ये एक दो तीन चार क्या होता है ये आने वाले टाइम पे देखेंगे अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि ये सेंटर के ऊपर चारों ग्रुप्स अलग होने चाहिए प्लस जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है ये मेरा कहा होना चाहिए डैश पे होना चाहिए तो अगर ये डैश पे है अब मैं आपसे बोलूं एक दो तीन मूव करो यानी एक दो तीन मूव करो जैसे ही एक दो तीन आप मूव करोगे तो आपकी जो मूवमेंट होगी ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होगी अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है तो इस कार्बन के अराउंड जो इसकी कंफिग्रेशन आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों आर अब सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल लेते हैं उस मॉलिक्यूल में भी क्या हो रहा है कि फोर्थ प्रायोरिटी तो मेरा डैश पे है अब फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश पे है और अब मैं आपसे बोलूं एक दो तीन मूव करो जैसे ही आप एक दो तीन मूव करोगे आपको पता चलेगा जो अब आपकी मूवमेंट है वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो अगर कैसे डिसाइड करेंगे यानी हाउ डू वी डिसाइड प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए वी रूल्स उनको वन बाई वन स्टडी करते हैं रूल नंबर वन क्या बोलता है रूल नंबर वन बोलता है हायर द एटमिक नंबर ऑफ द एटम प्रायरिटी इसका क्या मतलब होता है ये एग्जाम्पल है मेरे पास ठीक है अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है एक बात तो यह ध्यान रखना ये सारे जो भी ग्रुप्स हैं ये एक कार्यल सी स्टार के साथ जुड़े हुए हैं अगर ये सारे ग्रुपिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन चार ग्रुप्स ये जुड़े हुए हैं अगर सी स्टार से और मैं पूछूं कि एटोमिक नंबर किसका ज्यादा तो हमें पता है आयोडिन का एटोमिक नंबर ज्यादा अगर आयोडीन का एटोमिक नंबर ज्यादा तो उसको जो मैं प्रायरिटी दे रहा हूँ वन यानी हाइएस्ट प्रायरिटी हाइएस्ट प्रायरटी का मतलब है वन और लीस्ट प्रायोरिटी का मतलब होता है फोर यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी मैंने दे दी आयोडीन वन तो सेकंड प्रायोरिटी जो मैं दूंगा वो किसको दूंगा ब्रोमीन को क्योंकि उसका एटोमिक नंबर क्लोरिन और फ्लोरिन से तो ज्यादा है आयोडीन से कम है इसको मैं दे दूंगा अब थर्ड प्रायोरिटी और इसको मैंने दे दी बच्चों फोर्थ प्रायोरिटी यानी फोर्थ प्रायोरिटी प्रायोर्टी मेरेगी फ्लोरीन को यानी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर फ्लोरिन क्लोरीन ग्रोमिन आइडीन में से पूछूं तो क्या हो जाएगा फ्लोरिन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है हमें पता है कि एक तो क्लोरीन है तो क्लोरीन का तो एटोमिक नंबर ज्यादा है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से तो ये तो कंफर्म है क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा सेकेंड मुझे पता है फ्लोरीन का एटोमिक नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से तो मैंने उसको दे दिया सेकेंड नंबर

और इसको मैं दे दूंगा फोर्थ प्रायोरिटी ये बात समझ में आती है अब अगर हुआ कि एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर सेम सेम हो हो गए गए अगर तो हम आइसोटोप्स 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 की बात करते हैं के अंदर क्या होगा इन केस ऑफ किसोर आइसोटोप विल बी असाइंड हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रीटियम तो इस केस के अंदर ध्यान रखना ट्रीटियम को मैं दूंगा फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों क्योंकि वो हैवियर है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन तो इसको मैं दे दूंगा बच्चों फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मैं दे दूंगा सेकेंड प्रायरिटी और इसको मैं दे दूंगा थर्ड प्रायरिटी ठीक है एटॉमिक नंबर से देखना है एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटॉप की बात करती है तो उसमें देखेंगे, कौन सा है अब थर्ड रूल समझते हैं थर्ड रूल बहुत ही अच्छा रूल है इसको थोड़ा ध्यान से समझो थर्ड रूल बोलता है इफ़ टू और मोर ऑफ द एटम्स अटैच टू सेंटर आर आइडेंटिकल देन वी गो फॉर सेकेंड और थर्ड एंड सो ऑन टिल वी डोंट फाइंड एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस अब इसका क्या मतलब है ये एग्जाम्पल है मेरे पास

कार्बन और यहाँ पे भी क्या आया मेरे पास कार्बन यानी तीनों सेम हो गए यानी कार्बन 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 अब जैसे ही नेक्स्ट एटम सेम हो गया ना मैं क्या करूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे मूव करूंगा यानी उससे अगले पे मूव करूंगा जैसे ही उससे अगले पे गया यहाँ पे बोला इसने कि हाइड्रोजन ये बोलेगा भाई मेरे पास क्या है कार्बन ये बोलेगा भाई मेरे पास क्या है ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन यहां पे कार्बन है यहा पे ऑक्सीजन है और यहां पे हाइड्रोजन है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा अगर ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा इसका मतलब है कि उसको मैं क्या दूंगा फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी इसको मैंने दे दी अब पे क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे को पता चला उससे अगले कार्बन है यहाँ पे पता चला उससे अगला क्या है मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और कार्बन में से अगर मैं डिसाइड करूं कि, कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा तो मुझे पता है कि कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा अगर कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा तो मैं इसको क्या नंबर दे दूंगा सेकेंड और इसको मैं क्या नंबर दे दूंगा थर्ड यानी हमें जब तक मूव करते रहना है टिल वी

मैंने आपको उस एग्जाम्पल में भी जब पहली की स्लाइड में हमने डिस्कस किया तो उसमें भी बताया था कि, पहले करने के लिए करो। जैसे कि आपने डिसाइड करी देखो कैसे क्लोरीन ब्रोमीन में से मुझे पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा इसको मैंने दे दिया एक नंबर फिर क्लोरीन को मैं दे दूंगा सेकेंड नंबर फ्लोरीन को मैं दे दूंगा थर्ड नंबर

और इसको मैं फोर्थ दूंगा अब मैं क्या करूंगा फोर्थ को पता चला मेरा कहाँ पे है डैश पे है जैसे ही पता चला ना कि फोर्थ मेरा डैश पे है अब मैं क्या करूंगा एक दो तीन मूव कर जाऊंगा और जब मैं एक दो तीन मूव करूंगा तो मुझे पता चलेगा जो मेरी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन है वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज है अगर मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इस कार्बन के अराउंड जो मेरी कंफिग्रेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी एस अब इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बोलता है द द ऑफ गिवन कंपाउंड इज एक absolute configuration होती है यानी ये हमसे इसके अंदर आर और एस की बात करना चाह रहा है अगर ये आर और एस पूछ रहा है तो अब मैं क्या करूंगा ये मॉलिक्यूल है

COOH और CH3 में बताओ यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे कार्बन है तो नेक्स्ट पे जाओ जैसे ही नेक्स्ट पे गए यहाँ पे क्या मिला ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या मिला हाइड्रोजन तो हमें पता है ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा तो इसको मैंने दे दिया सेकेंड नंबर इसको मैंने दे दिया थर्ड नंबर और इसको मैंने दे दिया फोर्थ नंबर अब देखो क्या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है जी हाँ फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है और अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ गया बच्चों तो मैं क्या करूंगा एक दो तीन मूव कर जाऊंगा

अब एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं ये मेरे पास मॉलिक्यूल है यहाँ पे इस कार्बन के अराउंड मुझे बताना है क्या उसकी कंफिग्रेशन होगी सबसे पहले क्या करना है डिसाइड करनी है जैसे ही डिसाइड करूंगा कार्बन के साथ यहां पे क्या है नाइट्रोजन यहां पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन को तो मैं दूंगा बच्चों एक नंबर प्रायोरटी अब जैसे ही उसको एक नंबर मिल गया मैं दूसरे के लिए सर्च करूंगा सीओ और सी में हमने बताया अभी इसको मैं दूंगा सेकेंड प्रायोरिटी इसको मैं दूंगा थर्ड प्रायोरिटी इसको मैंने दे दी फोर्थ प्रायरिटी अब मुझे पता चल गया कि फोर्थ प्रायरटी मेरा कहां पे है वेज पे है और अगर फोर्थ प्रायरटी वेज पे आ रहा है अब क्या करो एक दो तीन तो मूव करो जैसे ही एक दो तीन मूव करोगे आपको पता चलेगा जो आपकी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन है ना वो क्या है क्लॉकवाइज है तो अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है आपके अकॉर्डिंग तो इसका नाम आना चाहिए था आर लेकिन रियलिटी में क्या बोला मैंने जो सोच रहे हो उसका उल्टा सोचो जैसे ही आपने उल्टा सोचा तो आपको पता चलेगा आर की बजाय इस कार्बन की जो कन्फिग्रेशन है वो क्या आ जाएगी एस यानी वेज पे आ गया तो जो सोचते हैं उसका उल्टा सोचना है अब क्या हो सकता है हो ये भी सकता है कि मेरा जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो इन द प्लेन ऑफ पेपर आ जाए जैसे ही फोर्थ प्रायोरिटी इन द प्लेन ऑफ पेपर आ जाए उस केस में मेरे पास दो मेथड्स होते हैं पहला मेथड होता है बाय रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को घुमाऊ और ध्यान रखना रोटेट करो कैसे भी मॉलिक्यूल को उसकी कन्फिग्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो अगर उसकी कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा यानी मैंने उस मॉलिक्यूल को रोटेट करके ऐसा कर सकता हूं कि जो फोर्थ प्रायरिटी इन द प्लेन है उसको मैं क्या करूँ पीछे की तरफ ले जाऊं यानी डैश बॉन्ड पर ले जाऊं जैसे ही मैं उसको डैश बॉन्ड पर ले जाऊंगा मेरा मतलब क्या है देखो ये मॉलिक्यूल है मेरे पास अब इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है एक और चार मेरे क्या है इन द प्लेन है और दो क्या है मेरा वेज पे है और तीन क्या है मेरा डैश पे है यानी मैं बोल रहा हूं कि एक और चार तो मेरे क्या है प्लेन के अंदर है अब मैं क्या चाह रहा हूं ये जो चार है ये कहां जाए डैश पे जाए जय चार डैश पे कैसे जाएगा अब मैं क्या कर रहा हूं एक प्लेन पास करा रहा हूं ये बोर्ड वाला जैसे ही एक प्लेन मैंने पास कराया जो एक और चार को कंटेन करेगा इस मोलिक्यूल को मैं यूं रोटेट कर दे रहा हूं यानी यूं घुमाया और जैसे ही मैंने यूं घुमाया मुझे क्या पता चला जो चार और एक इन द प्लेन थे ना बच्चों अब वो चार और और क्या हो गए डैश वेज पे आ गए अगर वो चार और एक डैश और वेज पे आ गए और हमें क्या चाहिए कि हमारा फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ चला जाए डैश पे जैसे ही फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे गया अब मैं क्या करूंगा एक दो तीन मूव कर जाऊंगा और जैसे ही मैं एक दो तीन मूव किया पता चला जो मेरी मूवमेंट है वो क्या है क्लॉकवाइज है अगर मूवमेंट मेरी क्लॉकवाइज है तो उस केस में जो इस सेंटर के अराउंड जो कंफिग्रेशन है वो क्या आ जाएगी आर अब जो सेकेंड मेथड होता है इसका वो होता है बाई इवन नंबर ऑफ पेयर एक्सचेंज इवन नंबर ऑफ पेयर एक्सचेंज में क्या कहते हैं एक मोलिक्यूल है आप लोगों के सामने इस मॉलिक्यूल में अब मैं क्या कर रहा हूं एक और चार को इंटरचेंज करता हूं यहाँ पे मेरे पहले बात तो इस मॉलिक्यूल में ये देखो कि क्या फोर्थ प्रायोरिटी हमारा इन द प्लेन है जी बिल्कुल इन द प्लेन है तो अब उसका जो मेथड है वो क्या है एक और चार को मैं इंटरचेंज करता हूं जैसे ही मैंने एक और चार को इंटरचेंज किया मेरे पास ये आया यानी एक चार की जगह पे चला गया चार एक की जगह पे चला गया मैंने बोला इवन नंबर ऑफ पेयर एक्शन यानी एक बार किया तो अब दूसरी बार करो दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ दो और तीन को इंटरचेंज कर रहा हूं जैसे ही मैंने दो और तीन को इंटरचेंज किया तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल आ गया अब इस मॉलिक्यूल को देखो क्या हमारा फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे चला गया जी हाँ फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे चला गया जैसे ही फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे गया अब मैं क्या करूंगा एक दो तीन मूव कर जाऊंगा जैसे ही एक दो तीन मूव करूंगा मुझे पता चलेगा जो मेरी मूवमेंट है वो क्या है क्लॉकवाइज है अगर मूवमेंट मेरी क्लॉकवाइज है तो उस केस में इस कार्बन के अराउंड जो कंफिग्रेशन है बच्चों वो क्या आ जाएगी मेरी आर ठीक है इना नट सेल क्या हमने अब तक सीखा हमने ये देखा पहले हम सी आई पी रूल से प्रायोरिटीज डिसाइड करेंगे जैसे ही हमने सीआईपी रूल से डिसाइड करी, उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश पे आया क्या करना है एक दो तीन मूव कर जाओ एक दो तीन जैसे ही मूव करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्लॉक वाइज है तो आर एंटी क्लॉक वाइज है तो एस ये कर सकते हो सेकेंड क्या है अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे चला गया अगर fourth priority wedge पे चला गया तो उस केस के अंदर क्या करना है जो सोच रहे हो उसका उल्टा सोच लो यानी आर की जगह आ आ जाएगा आ जाएगा की जगह यानी में में जब आता था, था तो अब में आएगा इन द प्लेन में दो सिखाए सबसे बेस्ट मेथड थोड़ा ये होता है इवन नंबर ऑफ पेयर एक्सचेंज जो थोड़ा इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए और बेहतर समझने के लिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये है मेरे पास अब मैं क्या करता हूँ

कार्बन कार्बन यहां पे दो हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है तब तक तो सेम है है पे है लेकिन थर्ड थर्ड यहां यहां हाइड्रोजन पे क्या मेरे पास कार्बन है अगर थर्ड कार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन का आइटम नंबर ज्यादा है तो इसको मैं दे दूंगा थर्ड प्रायोरिटी मैं दे दूंगा फोर्थ प्रायोरटी अब हमें देखना है कि फोर्थ प्रायोरटी कहां पर है पता चला फोर्थ प्रायोरटी इन द प्लेन है तो अब मैं क्या करूंगा इंटरचेंज करूंगा इवन पेयर इंटरचेंज ध्यान रखना यानी दो बार इंटरचेंज करना है इन दोनों को इंटरचेंज किया इन दोनों को इंटरचेंज किया जब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया मेरे पास ये आ गया जैसे ही ये आया अब मैं देख रहा हूं कि फोर्थ प्रायोरिटी मेरा डैश पे आ गया और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये था सेकेंड प्रायोरिटी ये था थर्ड प्रायोरिटी ये था एक दो तीन मूव कर जाओ एक दो तीन मूव कर गए हमें पता चला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गए सिंस फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डैश बोर्ड तो जो इस कार्बन के अराउंड जो मेरी कंफिग्रेशन है वो बच्चों क्या आ जाएगी आर थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज